होम ऑफ ऑल सेल आपके लिए लाए हैं अप टू 70% तक डिस्काउंट क्लोथ्स एंड शूज पर, तो आज ही विजिट करें फर्स्ट क्राई शोरूम HDFC बैंक के पास जबलपुर रोड मकरोनिया। MP में गजब बारिश का आलम है। वहीं सागर जिले की बात करें तो विगत 4 दिनों से बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जबकि जिले की जैसी नगर से बहने वाली जीवनदायिनी नदी धसान नदी गुस्से में है और उफान पर है। आलम यह है कि कई गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया है। इस आलम में धसान नदी का पानी खेतों में जा घुसा है, जिससे कई गाँव के किसान और जनजीवन प्रभावित हुआ है। साथ ही सोयाबीन की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। दसान नदी के बारे में कहा जाता है कि यह नदी जब उफान पर होती है तो जैसी नगर इलाके में तबाही मचाती है। इस नदी से बांसा ढकरई मार्ग और सिंगार चोरी के पास बने पुल के ऊपर से पानी होने की वजह से 24 घंटों से आवागमन बंद है। कई गांव का एक दूसरे से संपर्क टूट गया है। यह नदी तोड़ा गांव से भी गुजरती है। इस आलम में यहां भी पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। इस आलम में यहां का भी कई गांव से संपर्क टूट गया है। तो कल कैसे निकलना हुआ स्थिति में? 15 अगस्त में सरपंच लोग फेर के गए थे। अच्छा, 3 दिन से वो चलो बुद्धि से वो चलो। हाँ, तो यहाँ मतलब कोई व्यवस्था नहीं है अपनी निकलने का? लेकिन व्यवस्था है। अच्छा 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 सैकड़ों आदमी खड़े हमारे निकाले व्यवस्था नहीं है थे। कल से उतरा ही नहीं है दीवान के, चलो 40 घंटा हो गए नाला चढ़े। अच्छा, उतरवी का नाम भी नहीं ले रहा, जनता बहुत परेशान है। आगे जा भी दीवान के चलो निकलने में बहुत दिक्कत है। यहाँ जन जीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। 4 दिनों की बारिश से कई नदी नाले उफान पर हैं, तो धसान नदी बेहद गुस्से में है, जहाँ कई किसानों की इस नदी के उफान की वजह से फसलें चौपट हो गई हैं। कुलदीप चौरसिया, सागर एक्सप्रेस न्यूज, जयश्री नगर।